अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को अपनी CB150F 2022 मॉडल की लुक भी दिखा दूं और आपसे कुछ बातें भी शेयर कर लूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हम, जो कि बाइक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आपको पता है कि मैं बाइक पे सेफ्टी के लिए कुछ जगहों पे रैपिंग करवाता हूँ। तो इस बाइक की रैपिंग हम कहाँ कहाँ करवाएंगे? सबसे पहले हम इसकी टैंक की टॉप पे करवाएंगे। ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैप करवाएंगे ताकि कोई बच्चा भी बैठे या कोई चीज़ फ्रंट पे रखे टैंक पे तो कोई स्क्रैच ना लगे। दूसरा, इसकी जो मेन चीज़ है वो है साइलेंसर गार्निश। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रांसपेरेंट रैप करवा लूँ, जिसका पता भी ना चले और बाइक की लुक भी ख़राब ना हो। क्योंकि ब्लैक कलर है, अगर मैं इस पे ब्लैक कलर की रैप करूँगा तो टोटली आप देख सकते हैं बाइक फुल ब्लैक है तो डल हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसे सिल्वर कलर की अगर रैप करवा लूँ या ट्रांसपेरेंट कलर की तो मेरे बाइक की लुक अच्छी रहेगी। और आप ये देख सकते हैं इसके पैदान के साथ जो ये पैनल्स बना हुआ है, इस पे काफ़ी फुट लगते हैं और स्क्रैचेस इस जगह पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे मैं फुल रैप करवा लूँगा, इंजन पे मेन पीस रैप करवाऊँगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाँव नहीं लगते। बाकी इसका कुछ दिनों बाद सीट कवर भी लगवा लेंगे ताकि सीट भी इसकी सेफ हो जाए। और रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, उसके बाद इसकी रैप कराएंगे और फिर इसकी रनिंग करेंगे, राइड करेंगे, एक्सपीरियंस रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे और जो भी इसमें खूबी खामियां होंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और रही बात इंजन ऑयल की, तो फर्स्ट इंजन ऑयल इसका मैं 200 किलोमीटर पे चेंज करूंगा, सेकंड इसका 600 और थर्ड जो ऑयल है इसका वो मैं 1000 पे करूंगा। और उसके बाद मैं हर 1000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज किया करूंगा। और ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं करानी, ट्यूनिंग कराने से बाइक आपकी उसकी राइड भी ख़राब हो जाती है और यहाँ के जो मैकेनिक्स हैं वो ट्यूनिंग कर भी नहीं सकते। तो बिल्कुल मेरा भी सारे यूज़र, चाहे वो YBR के यूज़र हैं, चाहे वो CB के यूज़र हैं, चाहे वो सुजुकी के यूज़र हैं, तो ट्यूनिंग बिल्कुल ना कराएं। हाँ, अगर आपका बाइक 5 to 6000 चल चुके हैं तो आप टेपेट की एडजस्टमेंट करवा लें और इंजन ऑयल, जो कि इंजन के लिए सबसे मेन चीज़ है, वो टाइम पे चेंज करें तो आपका बाइक हमेशा बिल्कुल ज़ीरो जैसी कंडीशन में रहेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। और इस बार मैंने ओरिजिनल एटलस होंडा का 10W30i यूज़ करना है, तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस देंगे कि वो ऑयल कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है, और उसके बाद उसकी फ्यूल कंजम्पशन चेक करेंगे कि उस ऑयल की वजह से बाइक फ्यूल माइलेज हमें सिटी में क्या देता है। और जैसे ही रनिंग होगी तो एक शॉर्ट टूर भी करेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि ये सिटी में क्या फ्यूल माइलेज देता है और लॉन्ग ट्रैवलिंग पे क्या फ्यूल माइलेज देता है। बाकी इसकी कोई इतनी ख़ास रैपिंग नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं ओनली टैंक पे रैप करवा लूँगा और ये मेन पीस इंजन के हो गए, बैक पैनल पैदान का, और बाकी तकरीबन इसकी रैप कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। और सेफ्टी गार्ड के लिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं इस पे क्रैश गार्ड लगवा लूँ, सेफ्टी गार्ड, लेकिन मैं पहले चेक करूँगा कि इसमें मार्केट में कौन से डिज़ाइन का मिलता है और कौन सा इस पे बेटर लगेगा। अगर इस पे
अच्छा लगेगा तो मैं इस पर क्रैश गार्ड लगवाऊंगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि इसकी लुक मैंने ख़राब नहीं करनी। आप देख सकते हैं फ्रंट से वाइल्ड लुक के YBR जी पे मैंने सेफ गार्ड लगवाया था तो उसके साथ वो मैच करता था, तो इसके साथ मैंने सोचा हुआ है कि सिंपल सा लगवाऊंगा, अगर मुझे कोई अच्छा सा मिला तो ज़रूरी है, क्योंकि साइड स्कूप्स इसके इतने बड़े हैं कि अगर आप अपना शॉपर या कोई सामान हैंडल पे कैरी करते हैं तो वो इनके ऊपर टच होते हैं और इस पर स्क्रैच भी आते हैं, और दूसरा स्टेयरिंग टर्न भी बड़ा मुश्किल से होता है, आप देख सकते हैं। तो इससे इस पर सिंपल सिर्फ गार्ड लगवाऊंगा जिस पे मैं सामान कैरी कर सकूं, बाकी कोई इतना बड़ा सेफ गार्ड मैंने नहीं लगाना, क्योंकि बाइक वैसे भी वाइल्ड लुक है और बड़ा सेफ गार्ड लगा के मैंने बाइक की लुक ख़राब नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, आज ये शॉर्ट वीडियो थी, इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे बातें शेयर करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसके साथ जुल्कर नैन विला को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।